सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल पर। दोस्तों, कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी की गई है। इस विज्ञप्ति के बारे में आप लोगों को पूरा बताऊंगी। दोस्तों, यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की बात हो रही है। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की भर्ती निकली है। टोटल 309 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस भर्ती से संबंधित जो भी एसएससी की योग्यताएं हैं, आयु सीमा है, इसके अलावा कितनी फीस है, कितने पासिंग मार्क हैं, जो भी आपके जितने भी क्वेश्चन है, उन सब पर हम लोगों ने वीडियो बनाया है। दोस्तों, उस वीडियो की प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों ये बताना आप लोगों को जरूरी था, आपको कोई भी न्यूज चाहिए खंड शिक्षा अधिकारी से रिलेटेड तो हमारे चैनल पर वो अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का दोस्तों हर आपका जितना भी, चाहे वो प्री पेपर हो चाहे वो मेन पेपर हो, दोनों की तैयारी करवाएंगे। तो दोस्तों, प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जो विज्ञापन निकला है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो विज्ञापन निकला है, विज्ञापन है खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2019 का विज्ञापन संख्या, जो कि आयोग द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2019 को ऑनलाइन जारी किया गया है। में खंड शिक्षा अधिकारी पद के शैक्षिक अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा कतिपय जिज्ञासाएं की गई हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा की गई जिज्ञासाओं के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त पद की शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य में शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि का तात्पर्य बीएड से है। उक्त के अतिरिक्त जो बीएड अर्हता धारित नहीं रखते हैं या धारित नहीं करते हैं तथा रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त एलटी डिप्लोमा धारित करते हैं तो वे इस उक्त पद के पात्र होंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है बीएड, जो जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है और जिन लोगों ने एलटी डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, वही लोग इस पद के यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि वही लोग क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे अधिक जो कन्फ्यूजन थी वो बीटीसी के अभ्यर्थियों के लिए थी, क्या बीटीसी के अभ्यर्थी इसमें बीटीसी या डीएलएड जो जिन्होंने किया है क्या वो इस पद के लिए मान्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो कार्यालय लोक सेवा आयोग है उनके द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि अभी तो फिलहाल बीटीसी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बीटीसी करने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या भी कम नहीं है और जब यहाँ पर बीएड और बीटीसी को बराबर कर दिया गया है, दोनों को प्राइमरी में एक साथ शामिल किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जल्दी ही कुछ अच्छी खबर आए। दोस्तों, ये शुभकामनाएं हमारी कि आप लोग भी इसमें शामिल हो, क्योंकि आप लोगों ने भी उतनी ही मेहनत की है जितने बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने मेहनत की है। और दोस्तों, यहाँ पर अभी तो यही सूचना है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन भी अभ्यर्थियों ने बीएड किया हुआ है वो लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फिलहाल दोस्तों अभी के लिए, क्योंकि अभी तो जो ये न्यूज आई है इसके अकॉर्डिंग तो बीएड और एलटी डिप्लोमा वाले बच्चे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, अभी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 जनवरी है, 13 जनवरी 2020। तो दोस्तों, अभी भी हो सकता है कि कुछ उम्मीद हो कि आप लोगों का भी हो जाए, जो जिन बच्चों ने बीटीसी या डीएलएड किया हुआ है। आप जैसा भी होगा, हम लोग न्यूज के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताएंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आज की जो ये न्यूज है उसको अधिक से अधिक लोग को पता चले कि हाँ, जो कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश है उन्होंने कुछ क्लेरिफिकेशन दिया है इस पर कि योग्यता क्या है और कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।